अक्सर माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के चक्कर में क्या करते हैं, उसके दिमाग के अंदर एक इन्फॉर्मेशन का डंप लगाना शुरू कर देते हैं, और उनकी यही कोशिश होती है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम उसको प्रोवाइड कर सकें, जितने ज़्यादा चीज़ों के बारे में वो पढ़ सके, सीख सके, उसको दिमाग में स्टोर कर सके, उतना वो उन चीज़ों के बारे में कंफर्टेबल हो पाएगा और कॉन्फिडेंट हो पाएगा। लेकिन एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉन्फिडेंस का जो कंसर्न है ना, वो सीधा हमारी पावर के साथ है। अब वो पावर चाहे फिजिकल हो या मेंटल हो, अगर आप फिजिकली फिट हैं तो डेफिनेटली यू फील मोर कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंस, और सेम एज इट इज़ ये हमारी मेंटल इनपुट के साथ भी काम करता है। हाँ, इन्फॉर्मेशन का गैदर करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा मेंटली भी फिट हो, मेंटली भी स्ट्रांग हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को ब्रेन जिम जैसी एक्सरसाइजेज में और मेडिटेशन को जो है उसका रूटीन बनाओ। क्योंकि अगर मैं दिमाग की स्ट्रेंथ की बात करें तो शायद हम 3 से 4 घंटे का टाइम जो है हम आंखें खोल के कहीं पे भी स्पेंड कर सकते हैं बिना अपनी बॉडी को मूव किए हुए। टाइम निकाल सकते हैं, हम थिएटर में बैठ के 3 घंटे स्पेंड कर सकते हैं, हम किसी हिल स्टेशन पर बैठ के उस नज़ारे को देखते हुए उतना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन हम 10 मिनट भी जो है ना आंखें बंद करके एक जगह पर नहीं बैठ सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हम मेंटली जो है वीक है, तो जब तक हम मेंटली और फिजिकली इक्वली हम स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे, तब तक जो है हम किसी भी डिसीजन को सही तरीके से ना तो ले पाएंगे और ना ही अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कभी अपने सामने रख पाएंगे। इन्फॉर्मेशन का होना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए भी तो ज़रूरी है ना कि हमारा दिमाग उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना भी सीखे। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा वेल कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, एकेडमिकली बहुत सब चीज़ों में बहुत अच्छा, लेकिन उसके अंदर फिर भी अगर एक छोटी सी कमी जो है वो है उसके कॉन्फिडेंस को लेके, और कई बार तो ये सेम प्रॉब्लम जो बच्चे खुद डिस्कस करते हैं कि उन वो खुद अपने आप में फील कर रहे हैं कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो बहुत कम है, तो उस सीन में आपको जो काम करने की ज़रूरत है उसकी पावर को इन्हांस करने में, फिजिकल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है उसे फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। और आप चाहते हैं बच्चा फिजिकली एक्टिव रहे तो उसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप भी उसके साथ उन चीज़ों में इन्वॉल्व हों। और दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा मेंटली फिट रहे तो उसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप भी उसके साथ मेडिटेशन जैसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसी के साथ अगर कोई और भी प्रॉब्लम अपने बच्चे के साथ फेस कर रहे हैं तो वो भी मुझे कमेंट में बताएं, ताकि उसी के रिगार्डिंग जो एक एप्रोप्रिएट वीडियो है वो मैं आपके सामने लेके आऊँ। धन्यवाद।